हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरा नाम है कृष्ण कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए और आप अंत में शेयर, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा जो धनिया है, जो कि कई लोगों को घर में उगाना पसंद है, होम गार्डनिंग करना पसंद है। तो इसको हम किस तरीके से उगा सकते हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो हम इसको दो तरीके से अपन उगाते हैं। पहला, जो सोइल है, मिट्टी है, उसके अंदर हम इन सीड को डाल देते हैं उनको थोड़ा क्रश करके। बट जो दूसरा जो टेक्निक होता है वह है हाइड्रोपोनिक, जिसमें केवल पानी का यूज किया जाता है। वो उसके अंदर हम पाउडर फॉर्म में फर्टिलाइज़र डालते हैं। दोनों के ही अपने अपने फ़ायदे हैं, पर जो ज़्यादा अच्छा है वह हाइड्रोपोनिक है, उसमें केवल हमको पानी ही बदलना होता है। तो मैं इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, पर जो सबसे पहले मेन जो है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि इसमें किस तरीके से ये अरोमा आता है, किस तरीके से ये इतना इन्हेंस करता है टेस्ट को, फूड के टेस्ट को। तो इसके बारे में कुछ मैं बताना चाहूँगा। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से हम इसको कल्टीवेशन कर सकते हैं, इसको ग्रो कर सकते हैं, साथ ही साथ इसको जर्मिनेट करने के तरीके और जल्दी जल्दी किस तरीके से बढ़ सकता है उसके तरीके भी बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा इसकी डिटेल, कि इसको कौन सा पार्ट इसका यूज किया जाता है बेसिकली। तो आपके सामने लिखा हुआ है कोरिएंडर। धनिए को इंग्लिश में कोरिएंडर बोला जाता है। साथ ही इसके जो दूसरे नाम हैं, जो पहला पॉइंट है इसका, अनदर नेम्स ऑफ प्लांट, इसको सिलेंट्रो भी बोला जाता है या फिर चाइनीज़ पार्सले भी बोला जाता है। तो ये दो इसके पर्टिकुलर नेम हैं, जो पॉपुलर नेम है। दूसरा है इसका बॉटनिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो कोरिएंडरम सटिवम है। और जो थर्ड है, पार्ट यूज्ड फॉर कुकिंग और एक्सट्रैक्शन। तो इसका जो पार्ट है जो ज़्यादातर यूज लिया जाता है, तो वो है एक तो लीव्स और एंड सीड्स। तो लीव्स जो होती है वो एज ए हर्ब के रूप में यूज़ की जाती है, कोई भी करी हुई या फिर चटनी हुई या फिर सोसेज अपन बना रहे हैं उसमें हम लीव्स भी डाल सकते हैं और सीड को भी डाल सकते हैं। तो सीड जो है एज ए स्पाइस के रूप में हम काम में लेते हैं, जो कोरिएंडर है उसका। अब आगे हमारा फोर्थ पॉइंट, जिसमें हम बता रहे हैं कि रीज़न ऑफ अरोमा इन कोरिएंडर। अब आप सभी जानते हैं कि कोरिएंडर कितना टेस्ट इन्हेंस करता है किसी भी चीज़ में अपन उसको डालते हैं फूड कैटेगरी में। तो मेन बेसिक जो अरोमा है इसके अंदर, वो उसके पर्टिकुलर एसेंशियल ऑयल की वजह से हैं, जो कि उसके पोर्स में, मतलब कि जो सीड है उसके अंदर स्टोर रहता है। तो उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो अपन को इसका एसेंशियल ऑयल मिलता है। वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, प्योर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। उसको हम किसी और चीज़ में मिलाते हैं तो वह उसको हम डाइल्यूट फॉर्म में बोल सकते हैं। अब आगे है अपना फिफ्थ पॉइंट, कलर ऑफ ऑयल। अभी जो ऑयल होता है उसका, कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल होता है, उसको उसका जो कलर होता है वह है, जो ऑयल का जो कलर होता है वह पहले येलो कलर का होता है, पर आफ्टर द टाइम यह है बहुत हैवी येलोइश कलर में होने लग जाता है, पीला होने लगता है ज़्यादा। अब अपन जो नेक्स्ट पॉइंट है वह उसकी बात कर लेते हैं, कंसिस्टेंसी। इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम होती है। सेवन्थ, परफ्यूमरी नोट। मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूँगा कि जो कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल होता है कोरिएंडर का, वह परफ्यूम में भी काम आता है, परफ्यूम इंडस्ट्री में भी यूज़ लिया जाता है। और वह है मिडिल नोट, इसमें यूज़ होता है, मिडिल नोट यूज़ होता है। बिकॉज अब आप जानते हैं परफ्यूमरी में तीन नोट होते हैं बेसिकली, मिडिल नोट, टॉप नोट, बेस नोट। तो जो मिडिल नोट होता है वो लगभग 4 से 6 घंटे तक सरफेस पे रहता है, अपने स्मेल देता रहता है। तो उसी के अंदर ये मिडिल नोट में आता है। एट तो जो पॉइंट है हमारा, स्ट्रेंथ ऑफ इनिशियल अरोमा। तो
तो इसकी जो अरोमा है, कोरिएंडर की जो एसेंशियल ऑयल का अरोमा होता है वो मीडियम लेवल का होता है, यानी कि ज़्यादा हैवी नहीं होता। जो 9th पॉइंट है अरोमा डिटेल, अभी हम देख रहे थे इसकी जो पर्टिकुलर डिटेल है वो हमने ले ली है। अब अरोमा किस तरीके का देता है, किस तरीके की अपन को फील कराता है जो ऑयल है इसका पर्टिकुलर, तो वो हम देख लेते हैं कि जो ऑयल है वो स्मेल्स स्वीट, स्पाइसी, वार्म एंड वुडी अरोमा। वुडी टाइप की ये अरोमा देता है जब अपन पहली बार स्मेल करेंगे। अब ये डिफरेंट अपन को एक्सपीरियंस होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि देते हैं कि जो उनके अंदर जो एसेंशियल ऑयल है कोरिएंडर का, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे कि अपन बात करें उसके बारे में आपको बता देता हूँ, ये है जो मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन कोरिएंडर एसेंशियल ऑयल। तो जो फर्स्ट है वो है लिनालूल, और सेकंड जो है वो अल्फा पिनिन है, और थर्ड जो है वो बीटा पिनिन है। इनकी वजह से और भी ज़्यादा इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, बट ये ज़्यादा फॉर्म में पाए जाते हैं, तीन मेजर इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो इस तरीके से जो ये डाउट क्लियर हो गया होगा आप सभी का कि जो अरोमा जो है वो अलग अलग फील इसलिए देती है कि उसमें अलग अलग कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक, इस वजह से। अब अपन देख लेते हैं जो ऑयल है कोरिएंडर का, एसेंशियल ऑयल है, उसका जो यूज़ होता है वो क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, उसमें किस किस चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि अगर किसी को स्ट्रेस या फिर टेंशन होता है उस समय यह बहुत ज़्यादा वर्क करता है, क्योंकि इसके अंदर जो स्मूथ इसकी स्मेल होती है, मीडियम लेवल की जो स्मेल होती है, उस वजह से ये काफ़ी यूज़फुल होता है, स्ट्रेस को दूर करता है। और साथ में अपन बात करें तो जो हेडेक होता है या और तरीके के बैक पेन होता है या फिर और तरीके के एक होते हैं उनमें यूज़ होता है ये, अर्थराइटिस में भी यूज़ होता है, फटीग जो हो जाता है उसके अंदर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इन सभी में ये काम करता है। आजकल फास्ट फूड की वजह से लोगों के अंदर डाइजेशन का इशू होने लगा है, तो जो इनडाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं उसमें भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं, इंटरनल यूज़ भी किया जा सकता है इसको, और साथ में नोशिया वोमिटिंग का जो इशू होता है उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इन्हें स्मेल भी किया जा सकता है या फिर डायरेक्ट यूज़ भी किया जा सकता है। बट एज ए फिजिशियन सबसे पहले हमको उनकी एडवाइस लेनी चाहिए, बिकॉज़ ये जो ऑयल होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं इसके ऑयल, इसलिए। और जो लास्ट वाला है इन्हेंस लिबिडो, किसी पर्सन में कि मेल या फीमेल दोनों में अगर लिबिडो का इशू होता है, लिबिडो जैसे अगर लिबिडो की स्केयरसिटी होती है या फिर उसका कम होता है, तो उसको भी ये इन्हेंस करने में काम आता है, जिससे कि जो अट्रैक्शन है अपोजिट सेक्स के प्रति वो बढ़ता है, बिकॉज़ जो ऑयल है उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसकी, उसी की वजह से ये सब होता है। थैंक यू वेरी मच, ये रहा इसका छोटा सा डिटेल था, हर स्पाइसेस के बारे में ये डिटेल देता रहूँगा। और लास्ट में प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।